दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक दर्शन में। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य कपिल कृष्ण महाराज जी। तो ये दीपावली जी के संबंध में कुछ बहुत सारी जानकारियां आपको देंगे, तो उन्हीं से जानते हैं। सभी भक्तों को राधे राधे। माँ महालक्ष्मी सभी भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखें। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, दीपावली में हम विशेष पूजा करते हैं और घरों की साफ सफाई करते हैं, माँ महालक्ष्मी की और गणेश जी की विशेष पूजा करते हैं हम लोग। पर कुछ लोगों को पता नहीं कि हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते क्यों हैं। दीपावली में हम जब पूजा करते हैं, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा तो करते ही हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ें करना चाहिए। लक्ष्मी जब आती है तो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, अहंकार आ जाता है जीवन में, व्यक्ति पद भ्रष्ट हो जाता है, गलत दिशा में चला जाता है। तो गणेश जी की आराधना करते हैं हम। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, तो बुद्धि के दाता हैं तो भाई बुद्धि सद्बुद्धि दें, बुद्धि नहीं सद्बुद्धि चाहिए। सद्बुद्धि सही दिशा में धर्म को, धन को हम खर्च कर सकें, धर्म में खर्च कर सकें धन को। अब जानते हैं कि दीपावली में अगर पूजा की किसकी जाती है। दीपावली में भगवान नारायण की विशेष पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है, राजा रामचंद्र जी की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा या महाकाली की पूजा की जाती है। क्योंकि दीपावली में हम लोग पूजा तो करते हैं, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, पर दीपावली मनाते क्यों हैं? क्योंकि राम के आने की, राम के लंका पे विजय प्राप्त करने की जो खुशी मिली थी, और अयोध्या जब वापस लौट के आए थे तो अयोध्या वासियों ने राम जी के आने की खुशी पे दीपावली दीप जलाया था, इसलिए दीपावली कहा जाता, दीपोत्सव कहा जाता है। जहाँ दीप जलाए जाते हैं उसी को दीपावली कही जाती है। अब दीपावली जो की जाती है उनके आने में खुशी में, और लक्ष्मी को जो प्रसन्न करना है, और नारायण की पूजा अगर नहीं करेंगे तो लक्ष्मी कहीं प्रसन्न नहीं हो सकती है। अगर जिस पत्नी की पूजा होगी और पति की पूजा नहीं की जाएगी उस दिन, तो पत्नी कभी प्रसन्न नहीं हो सकती है। इसलिए लक्ष्मी को बुलाना है घर में तो नारायण की उपासना करना अति आवश्यक है। लोग घर में रहते लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, पर पति के बिना लक्ष्मी जी सहायता कैसे कर सकती हैं? क्योंकि लक्ष्मी तो नारायण की चरणों की दासी है ना, सदा भगवान विष्णु चरण दबा रही हैं, और जिस घर में विष्णु जी पहुंचते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी अपने आप पहुंच जाती हैं। इसलिए भक्तों को विशेष अनुग्रह ये कहता हूं मैं, गणेश लक्ष्मी कुबेर नारायण राम जी और महाकाली की विशेष पूजा करना चाहिए दीपावली के दिन। जब व्यक्ति इनकी पूजा करता है तो उनके घर में लक्ष्मी अचल होकर बैठ जाती है। अगर लक्ष्मी की अकेले पूजा करते हैं आप और गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी के वाहन मूसक हैं और लक्ष्मी के वाहन उल्लू हैं। लक्ष्मी अगर उल्लू में बैठ करके अकेले आएंगी तो आपको उल्लू बना के चली आएंगी, और लक्ष्मी अगर नारायण के साथ आएंगी तो या तो गज में बैठ करके आएंगी या तो फिर गरुड़ में बैठ करके आएंगी, और जब गरुड़ में बैठ करके आएंगी तो आपको कभी उल्लू नहीं बना सकती, वो सदा अचल होकर के बैठ जाएंगी। क्योंकि नारायण जहाँ बैठेंगे वहाँ पर लक्ष्मी अपने आप स्थिर होकर बैठ जाएगी, तो आपके जीवन में समृद्धि अपने आप व्याप्त हो जाएगी। अब भक्तों के मन में एक प्रश्न और उठता है कि पैसे तो हम कमाते हैं पर पैसे बचते नहीं है महाराज जी, क्या करें हम, इससे हम दुखी हैं। तो मैं तो भागवत में भी लोगों से ये कहता हूँ, इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो धन पैसा कमा के आप लाते हैं, क्योंकि पैसे में दोष होता है, ना जाने वह पैसा कहाँ कहाँ से किसके हाथों से चल करके आया, कोई नहीं जानता है कि शराबी की जुआड़ी की पापियों के वैश्यालय से कहाँ कहाँ चल करके आया है। उस पैसे को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले उठा करके हम अपने, अगर पति कमा के ला रहा तो अपनी पत्नी को दे, क्योंकि ग्रह लक्ष्मी है, एक माँ लक्ष्मी का नाम है ग्रह लक्ष्मी, पत्नी के हाथ में, तो वो पत्नी क्या करे, उस पैसे को जाके भगवान के पास रखें, दो मिनट के लिए भगवान के पास रखने के बाद, और उठा करके वहाँ से रखें, और जब लॉकर में रखें तो ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः 11 बार बोल के जब रखेंगे आप पैसे को, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास पैसा अपने आप बचने लगेगा, जो पैसा जाता है वो पैसा बचने लगेगा आपके पास। ऐसा करना चाहिए भक्तों को। और आप दीपावली बड़े भाव से मनाइए, पर पुनः मैं कहता हूँ नारायण लक्ष्मी गणेश की पूजा ज़रूर करें, कुबेर की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि धन के जो स्वामी मंत्री हैं जो कुबेर भगवान ने, माँ लक्ष्मी ने बनाया है, कुबेर की पूजा करें और माँ राम जी की पूजा करें और माँ काली की पूजा करें, कि शक्ति है, शक्ति जब शिव राम जी ने लंग रावण पर विजय प्राप्त किया था तो नवरात्रि में नौ देवी की उपासना किया था, नौ दिन देवी की उपासना करने में ही राम को विजय प्राप्त हुई थी, और जिसके द्वारा विजय प्राप्त हुई थी अगर उसकी उपासना नहीं करेंगे तो भी हमारी भक्ति और पूजा पाठ असफल रहेगा।
शक्ति के बिना कभी कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए घर में अगर कोई भक्त लिखता है लक्ष्मी जी सदा सहाय करे, तो ऐसा ना लिख करके श्री लक्ष्मी नारायण सदा सहाय करे लिखना चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण सदा सहाय करें, तो मैं कहता हूँ उस घर में लक्ष्मी सदा आप चल होकर बैठ जाएगी। और आप सभी श्री माँ महालक्ष्मी शक्तिपीठ पचपटा महालक्ष्मी मंदिर में पहुँचें और माँ के दिव्य दर्शन करें, जहाँ साक्षात माँ विराजमान हैं, और आप सब आकर दर्शन का लाभ लें। 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। और मैं आचार्य कपिल कृष्ण जी महाराज, भागवत आचार्य, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। पंडित जी से हमारा एक और प्रश्न है कि दीपावली के दिन कुछ लोग जुआ खेलते हैं और भी ये सब करते हैं, तो क्या ये सही है? आपने अच्छा प्रश्न किया। लोग दीपावली के दिन जुआ और जो खेलते हैं बिल्कुल चौसर वगैरह जो खेलते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। लक्ष्मी का अपमान होता है उनके घर, जो जितने भी खेलते हैं घर में सदा दरिद्रता का वास रहता है उनके जीवन लक्ष्मी, क्योंकि जिस लक्ष्मी को पाने के लिए सारा संसार सारा ब्रह्मांड माँ लक्ष्मी की उपासना करता, और उस लक्ष्मी को हम दांव में लगा रहे हैं। माया को सब कोई भजे, माधव भजे ना कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। और लक्ष्मी को हम दांव में कब लगा सकते हैं? लक्ष्मी को जब आप अपना बनाओगे तब दांव में लगाओगे, पर लक्ष्मी तो हमारी है ही नहीं, लक्ष्मी तो चंचला है, लक्ष्मी सिर्फ नारायण की है। इसलिए लक्ष्मी का अपमान ना किया जाए। और सभी भक्तों से मैं कह रहा हूँ, उस दिन दीपावली के दिन जो लोग कहते हैं कि आ गई है 11 दिन के अंदर हम जुआ सट्टा जो खेलता है, उससे घर में लक्ष्मी कभी वास हो ही नहीं सकती, उसके जीवन में दरिद्रता सदा वास रहेगा, घर में अशांति रहेगी, घर में कलह मची रहेगी। आप पैसा कमाएंगे पर डॉक्टर के यहाँ जरूर जाएगा आपका पैसा। इसलिए दीपावली से धनतेरस से ग्यारह दिन तक आप इस गलत कामों को बंद कर देना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं नारी काहू रंग की अपनी कहे न कोए, हरी नारी को अपनी कहे क्यों न फदियत होए। मतलब एक भिखारी की पत्नी को कोई अपनी पत्नी नहीं कहता, तो माँ लक्ष्मी तो नारायण की, जगत पिता नारायण की है, उसे हम अपनी मानकर कैसे दांव में लगा सकते हैं? युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव में लगाया था, पर द्रौपदी में युधिष्ठिर का अधिकार था। अधिकार होने के बाद उन्होंने जब जुआ में दाव लगाया था, तो आप सब उसके साक्षी प्रमाण बैठे हैं। युधिष्ठिर जुआ में हार गए थे, और जब हारे थे तो 12 उनका वैभव ऐश्वर्य सब चला गया था, अन्न को मोहताज हो गए थे, और अंत में उन्हें 12 वर्षों का अज्ञातवास वन में काटना पड़ गया था। तो कथा हमें समझाती है, जो भी दीपावली में जुआ खेलता है माँ लक्ष्मी को दाव में लगाएगा, युधिष्ठिर के भांति वैभव और ऐश्वर्यविहीन होकर के वैसे जंगल जंगल भटकना पड़ेगा। इसलिए सभी से निवेदन है, इस सबसे अब दूर रहें, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके अपनी जेब में रखें। माँ आपकी कृपा ऐसी ही बने, बेटा बन के जब माँ की उपासना करेंगे आप, तो माँ कभी अपने बेटे को कभी खाली नहीं होने देगी। पंडित जी, जैसे कि अभी चतुर्मास चल रहा है और श्री हरि विष्णु भगवान योग निद्रा में रहते हैं, तो क्या हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे साथ में, तो क्या हमें उनकी पूजा, मतलब कहते हैं कि श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा करना अनिवार्य है, क्योंकि वो देव उतनी 11 के दिन उठते हैं कहते हैं, तो उसके विषय में थोड़ा जानकारी दीजिए। आपने अच्छा पूछा कि भगवान विष्णु तो योग निद्रा में है, ऐसा लोग कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। जिस समय राजा बलि ने वामन अवतार में भगवान ने राजा बलि का जब धन हरण किया था, अंत में भगवान नारायण बावन भगवान प्रसन्न हुए थे राजा बलि पे, तो बोला था मंगो वरदान, क्या मांगते हैं आप? उन्होंने यही कहा था कि आप हमारे द्वारपाल बन जाइए सुतल लोक में चल करके, क्योंकि आपको जब जब मैं देखूंगा तो मुझे अहंकार नहीं होगा कि इन्हीं ने मेरा धन हरण किया था, अहंकार से बच जाऊंगा मैं आपको चलकर। तो नारायण ने वरदान दिया, चलो चलता हूं। नारायण चले गए सुतल लोक में। जब सुतल लोक चले गए नारायण, तो माँ लक्ष्मी अब अपने पति को कैसे पाएं, वैकुंठ में अकेली पड़ गई। तब राजा बलि की बहन बन के जब गई हैं, और राजा बलि को उन्होंने राखी बांधा है रक्षाबंधन के सामान में, कहते देव सेवनी की दस्ती जब होती है भगवान चले जाते हैं, विष्णु लोग सुतल लोक चले जाते हैं राजा बलि के पास, चार वहाँ द्वारपाल बन करके गुजारते 4 महीना। तो लक्ष्मी गई हैं सावन में राजा बलि के पास और पूजा किया है और राखी बांधा है। जब राखी जब बांधा है तो बोला क्या चाहिए बहन? बोले मुझे आपके यहाँ जो द्वारपाल बंधा हुआ है मुझे वो दे दीजिए आप। तो समझ गए पक्का माँ लक्ष्मी है। और राजा बलि को भगवान ने एक वरदान और दिया था कि सावन में जब लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी के साथ मैं भी तुम्हारे पास आऊँगा, 4 महीने मैं अपने ससाल में रहूँगा। भगवान योग निद्रा में, अगर भगवान जिस दिन सो जाएंगे योग निद्रा में, उस दिन ब्रह्मांड का लय हो जाएगा, विनाश हो जाएगा ब्रह्मांड का। तो भगवान 4 महीने लक्ष्मी के साथ सुतल लोक में वास करते हैं।
तो अंत में एन बद्धोबली राजा दानवेंद्रो महाबला तैनत तमर बंदना रक्षे मांचल मांचला। जब ऐसे बोलकर माँ राखी बांधी है, रक्षा सूत बांधी है, राज उसी दिन से रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हो गया है, उसी दिन से शुरू हुआ है जब से माँ लक्ष्मी ने बांधा है। और अंत में भगवान विष्णु और लक्ष्मी चार महीने राजा बलि के पास थी। जब हम लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो नारायण जी वहाँ विराजमान रहते हैं, इसलिए नारायण जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी अपने आप हैं, इसीलिए भगवान योग नद्रा में नहीं, भगवान अपनी ससाल में चार महीने रहते हैं। और ये देव उठनी जब एकादशी आएगी तो भगवान स्वतलोक से आकर के वैकुंठ में पुनः वास करते हैं। चार महीने भगवान लक्ष्मी के साथ स्वतलोक में वास करते हैं, इसीलिए आप बिल्कुल मन में शंका ना पालें, भगवान अपनी ससाल में रहते हैं चार महीने। तो आप लोग बढ़िया आराधना करिए। एक और अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा मैं पंडित जी से। पंडित जी, दीपावली आ ही रही है तो हमें कैसी पूजा करना चाहिए जैसे कि माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो, इसके बारे में थोड़ा बताइए। दीपावली में हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, बहुत सुंदर लाइटिंग सजाते हैं कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, क्या रंगी है हमारे पास। हम दीपावली घर को सजाते हैं और बढ़िया लाइट रोशनी करते हैं, लेकिन अपने मन को साफ नहीं करते, मन में कपट रखते हैं। पड़ोसी की लाइट अच्छी लग गई, पड़ोसी घर अच्छा बन गया, मन में कपट भरा, अरे इनका ऐसा बन गया, हम और अच्छा बनाएंगे। इस जो कपट मन से, जब तक मन से कपट अलग नहीं होगा जब तक माँ लक्ष्मी कृपा नहीं करेंगे आप पे। सबसे पहले मन की जो विचार हैं उसको शुद्ध करिए आप। घर को शुद्ध करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, बाहर की लाइट लगे ना लगे, पर अंदर की जिस दिन हमारे मन के अंदर का प्रकाश जल जाएगा, दूसरे प्रति जिस सब में भाव है, हे माँ लक्ष्मी हम पे कृपा करो या ना करो, लेकिन हमारे पड़ोसी बहुत दुखी हैं, सब पे कृपा बनाए रखना। तो मैं कहता हूँ पहले लक्ष्मी आप पे कृपा बनाने बैठ जाएगी, जिस दिन आपके वजह सबके लिए आ जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। और जब सुखी का भाव आ जाएगा, जैसे देवता हैं, देवताओं के मन में एक ही विचार रहता है सबका कल्याण करना, जब तक वो इनके मन में सबका कल्याण की भाव रहती है तो वो वैभवशील और ऐश्वर्यशील होते हैं। और जब जब उनके मन से भाव हटता है तब जब वो परेशान हो जाते हैं। इंद्र ने जब जब स्वार्थपन किया तब जब लक्ष्मी विहीन हो गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश का एक ही भाव रहता है संसार का सदा कल्याण करना, तब उनके पास माँ लक्ष्मी अचल होकर वास करती है। तो इसलिए मैं सबसे कहता हूँ माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए आप बढ़िया प्रातः कर उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए बढ़िया। घर में महिला उठ करके दो लोटा जल डालना चाहिए आंगन में, सबसे पहले दरवाजे के सामने जल डालना चाहिए उठ करके, बढ़िया चौक पूर देना चाहिए, रंगीन चौक पूर देना चाहिए बढ़िया। और दिन भर भरेगी बढ़िया पूजा की तैयारी करिए और मन में माँ लक्ष्मी का जाप करते रहें। ना उस दिन किसी की बुराई करना है, ना किसी की निंदा करना है, शुद्ध विचार के साथ पूजा करना है, शुद्ध भाव से पूजा करना है। और भगवान का नाम जप करते हुए आप भोजन बनाएं, प्रसादी तैयारी करें, माँ लक्ष्मी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, या श्रीम लक्ष्मी नमः का जाप करते हुए आप पूजन की तैयारी करें। मुख में हो राम नाम राम सेवा, हाथ में इस भाव से पूजा करें आप। और संध्या के समय बढ़िया आप बढ़िया अब सफ़ेद कपड़ा हो सत्वगुण का या लाल कपड़े में बढ़िया नारायण लक्ष्मी गणेश को विराजमान करो, कुबेर भगवान को विराजमान करें। राम जी की फ़ोटो हो तो रख सक लें, दुर्गा जी की पूजा हो तो रखें, फ़ोटो रख करके उनकी आराधना करें, बढ़िया भाव से पूजा करें, बढ़िया दीप जलाइए और बढ़िया भगवान को भोग लगाइए। जो आपके पास प्रसाद हो, जो भी हो आपके पास, जरूरी नहीं कि फल मीठा हो, ना हो तो एक फल ले आए, एक शक्कर ला के चढ़ा दे, जिसके पास जैसी श्रद्धा हो जैसा हो पूजा रख करें, माँ को भोग लगाएं, वही प्रसाद सबको बांटें, जितनी क्षमता है उस हिसाब से प्रसाद बांटें आप। और एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, नहीं श्री बनता है तो महालक्ष्मी नमः का जाप करें, फिर एक माला ओम कुबेराय नमः का जाप करें, राम जी की पूजा करें, दुर्गा जी की पूजा करें। आप इस तरीके से पूजा कर करके और बंधन बार सजाएं बढ़िया, पान के आम के पत्ते, पान के पत्ते जरूर लगाएं, पंचमेवा का जरूर भोग लगाएं, माँ को बेहद प्रिय है। इस तरीके से भगवती का पूजन करना चाहिए जप करते हुए। और हवन में भी अगर आपसे मंत्र नहीं बनता है तो गणेशाय नमः करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम कुबेराय नमः, श्री रामचंद्राय नमः करके हवन कर सकते हैं, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय नमः करके, इन सबको जरूर आप हवन करें आप, इससे महालक्ष्मी आप में। और उस दिन श्रीफल ना फोड़ें, विशेषकर लोग श्रीफल चढ़ाते हैं श्री माने लक्ष्मी, कोशिश करें कि उस दिन कच्चा नारियल चढ़ाए, पक्का भरा हुआ नारियल चढ़ाए माँ को, भरा हुआ नारियल चढ़ाएंगे तो जीवन में सदा भरा हुआ ऐश्वर्य रहेगा सदा आपके। तो उस दिन माँ को श्रीफल चढ़ाएं, लेकिन श्रीफल फोड़े ना, लोग फोड़ देते हैं, तो श्रीफल भेंट करके उस दिन रात भर फल रखा रहने दें। दूसरे दिन अब प्रसाद बांटना है तो दीपावली के दूसरे दिन उस प्रसाद को फोड़ करके बांट सकते हैं, लेकिन उस दिन श्रीफल ना फोड़े, कदापि ना फोड़े उस दिन। और भक्तों से मैं कहना चाहता हूँ लक्ष्मी का विसर्जन भी ना करें,
ना गणेश जी को पटा हिलाना है, ना कलश का हिलाना, कुछ नहीं हिलाना है सदा। अगर जीवन से गणेश और लक्ष्मी चले जाएंगे तो जीवन हम श्रीविहीन हो जाएंगे, इसीलिए उस दिन ना पटा हिलाना, ना उनका विसर्जन भी नहीं किया जाता है उस दिन। बस माँ से कहें, माँ इस बच्चे पर सदा कृपा बनाए रखें, इस भाव से माँ की पूजा करें और बढ़िया दीपो जलाएं, बढ़िया देसी घी की जलाएं, देसी घी की दिए जलाएंगे और शुद्ध घी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, गाय का घी मिल जाए शुद्ध मिल जाए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, जो घर में हो वो जलाइए, पर मेरा बार बार कहना है मन को शुद्ध बनाइए। मन को जब तक शुद्ध नहीं बनेगा जब तक लक्ष्मी कृपा आप पे नहीं हो सकती, इसलिए मन की पूजा करना है और कोशिश करें अगरबत्ती ना जलाएं, धूप बत्ती जलाएं यदि घी का, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है जो हमारे हिंदू धर्म में बांस नहीं जलाया जाता है, अलग गलत है, गलत तरीके से अगरबत्ती बनाई जाती है, इसलिए धूप बत्ती लें या फिर देसी घी के दिया से सुंदर कुछ भी नहीं है। बस देसी घी के जलाएं और दिया का पूजन करके प्रार्थना करें, जिस प्रकार आप अंधकार को दूर कर रहे हैं उसी प्रकार हमारे जीवन की दुख दरिद्रता अंधकार को दूर करके हमारे जीवन में प्रकाश लाएं। और माँ लक्ष्मी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस संसार के सुख को भोगते हुए आपकी भक्ति करें और इतना दीजिए कि हम धर्म कर सकें। जब आप माँ से धर्म के लिए जब आप याचना करेंगे तो आपको माँ धन जरूर देगी। जब तक धन के साथ धर्म नहीं होगा धन की प्राप्ति नहीं होगी ना धन बचेगा। धन के साथ धर्म का होना अति आवश्यक है, वरना आने वाली जो पीढ़ी होगी वो गलत दिशा में चली जाएगी, क्योंकि धन में दोष है और धन को तभी शुद्ध किया जा सकता है किस प्रकार, दान और पुण्य और धर्म कर्म की किसी गरीब की सहायता कर करके। जैसे आप लोग गुड़ रसगुल्ला बनाते हैं, शक्कर का जो सीरा होता है ना, शक्कर को उबालते तो उससे मैल निकलता है, पहले मैल निकाल कर ही साफ किया जाता है, फिर सब साफ करते हैं, मैल निकाल देते हैं तो शक्कर वो सफ़ेद हो जाता है वो सीरा, तब रसगुल्ला डाला जाता है। उसी प्रकार धन में जो दोष होता है, जब धन को आप धर्म में खर्च करेंगे, धन का अगर 100 कमा रहे हैं, 100 में अगर हमने 10 रुपये भी दान कर दिया तो 90 तो आपके पास है ना, तो 90 रुपये अगर आपके पास है तो वो 90 रुपये आपके 90,000 के बराबर बन जाएंगे, नहीं है तो 5 रुपये दान कर दीजिए आप। इस तरीके से धर्म में खर्च करिए, जरूरी नहीं मंदिर में दान करें, कोई भूखा है तो भूखे को खिला दें, गौ माता को खिला दें, किसी मंदिर में जा करके 2 रुपये 5 रुपये जो बन सके प्रसाद, अगर प्रसाद लेते हैं तो भी तो कर्जा है ना, कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो फूल ले, मंदिर 3 जगह खाली नहीं जाना चाहिए, मंदिर गुरु और मित्र के पास कभी खाली नहीं जाना चाहिए, जो खाली जाता है उसके जीवन में सदा खाली ही खाली जीवन में रहता है। इसलिए चाहे एक सिक्का लेके जाएं, जैसी समृद्ध हो, जिस प्रकार आपको भगवान ने दिया है ईश्वर, उस प्रकार से हमें धर्म करना चाहिए, धर्म जीवन का जरूर करना चाहिए, उससे माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी। इसी भाव के साथ आप पूजा करें कि माँ हम धर्म कर सकें, ऐसी सद्बुद्धि दो, इतनी कृपा करो कि हम लोगों की सहायता कर सकें, धर्म कर सकें। इस भाव से जब माँ की आप आराधना करेंगे तो माँ लक्ष्मी आप पर जरूर कृपा करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोगों का भी यही भाव रहता है, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा से सब कुछ पूर्ण है। बस इसी भाव से मैं चाहता हूँ माँ लक्ष्मी सब पे कृपा बनाए रखें, सारे भारतवासी धन धान से, पूरा सारा विश्व धन धान से परिपूर्ण है, और आपकी दीपावली बहुत ही बहुत बहुत सुंदर हो। मैं आचार्य कपिल कृष्ण जी महाराज।